पुतिन अब अंतिम निर्णय लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कुर्स्क का प्रतिशोध लेने वाला फैसला दुनिया में न्यूक्लियर प्रलय भी ला सकता है। रूस को ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि रूसी जमीन पर कब्जे की जंग में अमेरिका समेत कई और देश सीधे तौर पर शामिल हैं। यूक्रेन को नाटो से भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की गई है। अमेरिका अब F-16 से प्रहार करने के लिए नई मिसाइल देने वाला है। पुतिन समझ चुके हैं कि रूसी जमीन को कब्जे से बचाने के लिए सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका और तमाम मददगारों को भी सबक सिखाना जरूरी है। अब बात सिर्फ कुर्स्क की नहीं, अब बात रूस यूक्रेन तक भी सीमित नहीं है। नए दौर में आइबर्स को इस्कंदर भस्म कर रहा है। अमेरिकी हथियारों पर किंजल बरस रहा है। ये रूस की ताकत की नुमाइश नहीं बल्कि ये संकेत है पुतिन के गुस्से का, उस क्रोध की ज्वाला का जिसमें यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो के कई देश भस्म हो सकते हैं। क्योंकि रूस को यकीन हो चुका है कि कुर्स्क का अभियान सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि अमेरिका और उसके कई मददगारों का है। सबूत रूस से जारी कर दिए गए हैं। कुर्स्क में अमेरिकी बम से हमले हो रहे हैं। कुर्स्क की जमीन पर ब्रिटिश चैलेंजर टैंक दौड़ रहे हैं। कनाडा के बख्तरबंद वाहन में यूक्रेनी सैनिक सवार हैं और फ्रांस की स्कैल्प मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। रूस के पास सबूतों की कमी नहीं है। यही वजह है कि अब अमेरिकी हथियारों को भस्म करने के लिए रूस उन ताकतवर हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है जो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। कुर्स्क के बिल्कुल करीब सुमी से अमेरिकी हाइमर्स सिस्टम से हमले हो रहे थे। रूस ने पहले ड्रोन से हाइमर्स का पीछा किया। हाइमर्स से लैस ट्रक जैसे ही एक जगह पर रुका, रूस से इस्कंदर मिसाइल दागी गई और हाइमर्स सिस्टम भस्म हो गया। यूक्रेन की सीमा से यह हाइमर्स सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर सुमी में मौजूद था। यहीं से हाइमर्स से कुर्स्क पर लगातार हमले हो रहे थे। लेकिन यह शुरुआत है, आगे क्या होने वाला है इसके संकेत अमेरिका और रूस दोनों से मिले। रूसी सुरक्षा परिषद का आरोप है कि कुर्स्क का अभियान अमेरिका के सहयोग से चल रहा है और इसका अंजाम भयानक रहने वाला है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के अभियान में अमेरिका का शामिल न होने वाला दावा बिल्कुल झूठ है। रूस क्या निर्णय लेने वाला है इसका खुलासा जल्द होगा, लेकिन ये तय है कि पुतिन नेटो या बाल्टिक देशों पर हमले का फैसला ले सकते हैं। इसकी वजह है ये लड़ाकू विमान, इससे जुड़ा एक फैसला। बाइडेन यूक्रेन को ऐसी क्रूज मिसाइल देने वाले हैं जिससे कुर्स्क की नहीं बल्कि रूस के कई और शहर भस्म हो सकते हैं। बाइडेन F-16 को लॉन्ग रेंज की ऐसी मिसाइल से लैस करने का मन बना चुके हैं जिससे यूक्रेन की वायुसेना बेहद ताकतवर हो जाएगी। यूक्रेन की सीमा से 300 किलोमीटर के दायरे में बसे शहरों पर यूक्रेन बेहद घातक हमले कर सकेगा। अमेरिका का अगला
पहला कदम संपूर्ण कुर्स के भस्म होने की वजह बन सकता है, क्योंकि अमेरिका F-16 के लिए यूक्रेन को जैसिम्स मिसाइल देने जा रहा है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल 1100 किलो वजनी है और इसमें 450 किलो का वॉरहेड लगा होता है। यूक्रेन की सीमा में उड़ान भरते हुए F-16 से मिसाइल प्रहार हुआ तो ये रूस में 361 किलोमीटर तक के इलाके में तबाही मचा सकती है। इस मिसाइल से रूस के कई शहर भस्म हो सकते हैं। हमले के लिए F-16 को बॉर्डर भी क्रॉस करना नहीं पड़ेगा। अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिली तो ये सबसे लंबी दूरी की मिसाइल होगी, जिससे रूस के कुर्स्क बेलगोरोड को बेहद खतरा हो जाएगा। और इसके अलावा हवाई हमले के लिए अमेरिका यूक्रेन को JDAM किट वाले बॉम्ब दे रहा है, जिसका रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये GPS के इस्तेमाल से सटीक प्रहार करता है। फिलहाल JDAM किट के साथ यूक्रेन Mark 84 बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। इस बॉम्ब का वजन 1000 किलो। कुर्स्क के टियोटिकनू में रूसी सेना के ठिकाने पर यूक्रेन ने JDAM बमों से हमला किया। रूस ने इस वीडियो को जारी करके दुनिया को दिखाया है कि किस तरह अमेरिकी हथियारों से रूसी सेना का संहार हो रहा है। अब रूस को F-16 देने की असली वजह भी पुतिन को समझ आ रही है। F-16 का यूक्रेन की जमीन पर पहुंचना, F-16 आते ही रूस का कुर्स्क में हमला बोलना, F-16 के लिए अमेरिका से नई मिसाइल का ऐलान होना, पुतिन इसे महज संयोग नहीं मानते। यही वजह है कि रूसी सेना कुर्स्क में जंग लड़ रही है, लेकिन रूस की सरकार एक बड़ी रणनीति बनाने में जुटी है। पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। बैठक में यूरोप के खिलाफ अभियान पर फैसला हो सकता है, नेटो से बदले का एक्शन प्लान फाइनल हो सकता है। किंजल मिसाइल के इस्तेमाल से ये जाहिर हो चुका है कि अब रूस अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है और इसीलिए न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका मजबूत होती जा रही है। हमला रूस की धरती पर हुआ है, इसलिए पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो देश सीधे तौर पर शामिल हैं, पहले उन पर हमला होगा या फिर पुतिन किसी सहयोगी देश को निशाना बनाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इस जंग में सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं। अब रूस के टारगेट पर कनाडा भी है। कुर्स की जमीन पर खड़ा ये वाहन अब ब्लैक सी फ्लीट के जवान के कब्जे में है। इस वीडियो को जारी करने का मकसद है कि दुनिया को ये दिखाना कि कैसे कनाडा के वाहनों का इस्तेमाल यूक्रेनी फौज कुर्स्क में कर रही है। इस वाहन का नाम रोशल सिनेटर है। रोशल कनाडा की कंपनी का नाम है। वाहन से 10 सैनिक सफर कर सकते हैं। छोटे हथियारों के हमले का इस पर असर नहीं होता। ब्रिटेन के खिलाफ भी रूस आग बबूला है, क्योंकि कुर्स्क में ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पहली बार है जब ब्रिटिश टैंकों का इस्तेमाल रूस की धरती पर किया जा रहा है। नेटो के खिलाफ रूस की सेना ने युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। रूस के एक परमाणु बॉम्बर के कॉकपिट से यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। यहां रूसी बॉम्बर के बेहद करीब नेटो एयर पुलिसिंग इंटरसेप्टर नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कैमरा रूसी TU-22M3 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की कॉकपिट में था और उसके बेहद करीब जर्मनी के एयरफोर्स का यूरो फाइटर टाइफून उड़ान भर रहा था। अंदेशा है कि रूस बाल्टिक देशों से भी नेटो के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।